हेलो दोस्तों, आजकल किसी से भी पूछो तो एक ही जवाब मिलता है। क्या यार, बहुत बिजी हैं, दम मारने को भी टाइम नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और ये समस्या केवल किसी कामकाजी व्यक्ति की, जॉब में जाने वाली या बिजनेसमैन की नहीं है, स्टूडेंट्स की भी है और यहाँ तक हाउसवाइफ्स की भी है। अब जरा सोचिए कि ये जो ओवर बिजीनेस हमने अपने ऊपर ओढ़ रखी है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। कहीं हम अपनी व्यस्तता के चक्कर में, अपने प्रोफेशन के चक्कर में अपनी फैमिली तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये एक फैशन बन गया है बिजी रहने का। शायद थोड़ी देर के लिए हमको वीआईपी होने का एहसास दिलाता है, लेकिन क्या ये एहसास सफलता की सीढ़ी है? कभी नहीं। ये कभी भी बिजी होना सफल होने की निशानी नहीं है। ये हमारे सिस्टम को, हमारे टाइम टेबल को गड़बड़ होना जरूर बताता है। ये कोरा मिथ है, भ्रम है कि हम बिजी हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। ये कोई तमगा नहीं है। सोचो, हम किस काम में बिजी हैं? क्या वो काम हमारे दिनचर्या के लिए उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं? अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस रखिए। नहीं, ऐसा ना हो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को आप बर्बाद कर दें। और ये पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। 75% लोग जो पेरेंट्स हैं, इनको अपने बच्चों से बात करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ओवरऑल 40% लोग अनिद्रा के शिकार हैं। रात में लेटे तो नींद नहीं आती है। कारण, आपका स्ट्रेस और आपका तनाव जो आपने फालतू में उड़ रखा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लव दाई सेल्फ, अपने से प्यार करो और अपनी पसंद के काम करो। काम के गोल को फोकस रखो और बिना सोचे समझे ना कि जो मन में आया वो काम करने लगे। काम और आपकी लाइफ स्टाइल के बीच में बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन बनाइए। तरक्की भी चाहिए और मेंटल पीस भी चाहिए। ये मेंटल पीस और ये तरक्की दोनों आपको सफलता दिलाएगी। हैव प्रॉपर बैलेंस ऑन देम। हमारे पास भी 24 घंटे हैं और किसी भी सफल आदमी के पास भी 24 घंटे हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे वो रतन टाटा ही क्यों ना हो। उनकी लाइफस्टाइल क्या इतनी बिजी रही होगी? हम अपने को फालतू में बिजी रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक स्मार्टफोन आ गया तो हर मेल का, हर मैसेज का आप तुरंत जवाब दें। जो भी सोशल मीडिया में हलचल हो रही है उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। अरे, उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, ये आपको व्यर्थ का बिजी रखते हैं। दूसरे क्या कहेंगे इस पर कभी ना सोचें। आप इंसान हैं, अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए। आप मशीन नहीं हैं जो एक मशीन की तरह काम करें, और काम वो करें जिससे आपको अपने अंदर सुख महसूस हो, इंटरनल हैप्पीनेस महसूस हो। अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या हम रात में करके सो सकते हैं? अगर नहीं रात में समय मिला तो क्या सवेरे उठ के अपना दिन का एजेंडा बन सकता है? अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। बच्चे की पीटीएम या उसका एनुअल फंक्शन, ये जरूरी है कि आपकी बिजनेस मीटिंग। फालतू के गैर जरूरी कामों से बचें और हर काम का एक टाइम फ्रेम सेट करें। उस टाइम फ्रेम में उस काम को करने की आदत डालें और डेली के कामों के बीच इंटरमिटेंटली ब्रेक्स लीजिए। अपनी छुट्टियों का सही उपयोग करिए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उन छुट्टियों को स्पेंड करिए और हमेशा जीवन में खुश रहने की कोशिश करिए। तभी आप इस जीवन को सफलतापूर्वक जी पाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल
एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।